नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद पान खड़े। आज जिस खबर को विश्लेषित कर रहा हूं, मन बड़ा दुखी है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के राज में, जहां अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस उत्तर प्रदेश में यदि लड़कियां ही सुरक्षित नहीं तो फिर ये राम राज्य, योगी जी का मुख्यमंत्री होना और बनारस का लोकसभा सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का होना भी बेनामी हो जाता है। ये कहानी नहीं, एक खबर है। बीती रात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU के IIT की सेकंड ईयर की लड़की अपने साथी के साथ दिल से निकल कर दूसरे जगह जा रही थी, तो जब वो कृषि संस्थान के सामने आई तो वहां एक मोटरसाइकिल पे 3 मन चले आए। इन्होंने वो छात्र और छात्रा को अलग किया, छात्रा के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, उसके कपड़े उतारे, उसका वीडियो उतारा, जान से मारने की धमकी दी। 15 मिनट तक वो लड़की BHU के कैंपस में, बनारस में, उन घिनों ने मन चलों के हाथ में बंधक थी। उसके बाद वो चले गए। बड़े मुश्किल से वो अपने हॉस्टल पहुंची। जब IIT के छात्र छात्राओं को ये बात पता पड़ी तो आज 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं BHU में आंदोलित है। ये घटना, कई अंधभक्त ये कहते हैं कि ऐसी एक घटना को पकड़ के आप सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। 2017 में भी BHU में ऐसी घटना हुई थी जिससे पूरा देश हिल गया था। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए, क्या ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे? क्या प्रधानमंत्री, जो अपने पूर्ण समय यूक्रेन और रशिया के युद्ध शांति के लिए लगे रहते हैं, जो हमास और इजराइल के बीच में शांति के लिए लगे रहते हैं, G20 में अध्यक्षता करते हुए विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के थाली में खाना खिलाने के लिए व्यस्त रहते हैं, अमृत काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, बहुत भारी भक्कम शब्द है ये, नारी शक्ति वंदन, और ये कहा जाता है कि हमने आधी आबादी को राजकीय रिजर्वेशन दिया है, ये सारी बातें क्या ऑर्नामेंटल है, गहनों जैसी हैं? वास्तविकता, जिस देश के आप प्रधानमंत्री है उस देश में महिला सुरक्षित है। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में चुनावी रैलियों में अपने बुलडोजर की महिमा मंडन करते हुए बताते हैं। राजस्थान में बोलते हैं कि यदि कन्हैया के साथ ऐसा हुआ होता यूपी में तो आप जानते हैं क्या हुआ होता। कन्हैया का जो हाल जिसने किया, उनके घर पे बुलडोजर चला होता। लेकिन योगी जी को जब भी कानून व्यवस्था का इशू आता है तो क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान ही दिखते हैं? क्या दलित लड़की का हुआ बलात्कार या शारीरिक शोषण उन्हें नहीं दिखता? तब योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता सवर्णों पे? जब इस देश में मेडल लाने वाली लड़कियां
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाली वो हमारी बेटियां बहनें जब गोंडा के सांसद पे आरोप लगाती है कि उनने उसका शारीरिक शोषण किया, वो एफआईआर तक दर्ज करने की हिमाकत नहीं करती। ने पे कोई कंप्लेंट करे तो आसाम से पुलिस आके आसाम में एफआईआर दर्ज होके तुरंत दिल्ली में कहा हुआ वक्तव्य आसाम में एफआईआर दर्ज और तथाकथित मुजरिम पवन खेड़ा को प्लेन के अंदर से एयरपोर्ट से निकाल के लाते हैं। वो दिल्ली पुलिस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ हुए शारीरिक शोषण के एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ पड़ने के बाद एफआईआर दर्ज होती, ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधानमंत्री के नाक के नीचे होता है तब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गोंडा के गुंडे पे क्यों नहीं चलता? क्या वो सवर्ण है इसलिए, या वो बाहुबली है इसलिए, या वो धन पशु है इसलिए, या बीजेपी के लिए दो चार सीटों का जुगाड़ करेगा लोकसभा की इसलिए? तो फिर ये महिला शक्ति, महिला वंदन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी माता बहनों की आंखों में धूल नहीं जाए इसलिए उज्ज्वला, मुस्लिम बहनों को तकलीफ ना हो इसलिए ट्रिपल तलाक बंद, महिलाओं की लज्जित नहीं होना पड़े इसलिए शौचालय, महिला लज्जित न हो इसलिए शौचालय तो बनवा रहे हो, लेकिन क्या महिला प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में आईआईटी की सेकंड ईयर की छात्र अपने कैंपस में ही सुरक्षित नहीं? इसके पहले उत्तर प्रदेश के एक शहर में मोबाइल स्नैचर ने एक लड़की को, बीटेक में जो पढ़ रही थी बिचारी, उस लड़की को ऑटो से निकाल के घसीटा, उसकी मृत्यु हो गई। पिछले दिनों में चेन स्नैचिंग के कितने केसेस बढ़ गए, मोबाइल स्नैचिंग के कितने केसेस बढ़ गए, खासकर महिलाओं के, ये डाटा देखने की फुर्सत योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है, क्योंकि वो कितने बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री है और कानून व्यवस्था के कितने बड़े सजग प्रहरी है, ये बताने के लिए लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी चुनावी राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। आज उन राज्यों की जनता पूछेगी कि महामहिम आप हमारा छोड़िए, जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं पहले वहां तो सुरक्षा दीजिए, हमारे अन्याय मत गिनवाइए, आपके यहां न्याय के लिए जो लोग रो रहे हैं उसको तो न्याय दीजिए। आज उत्तर प्रदेश या बिहार में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कोई इन्वेस्टर आने के पहले भी 3 बार सोचता है, मेरी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, इंदौर में आलू से स्टार्च बनाकर एक्सपोर्ट करने की वो कंपनी है, उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्री की कैपेसिटी 100% चलती है क्योंकि मालवा में इससे ज्यादा आलू मुझे मिल नहीं सकता, और मेरे पास जितना मैं सप्लाई करता हूं उससे 25 गुना ज्यादा, 25 टाइम्स मोर, 25% नहीं 25 गुना ज्यादा, 250% डिमांड है। मैंने कहा अरे मूर्ख हो, एक्सपांड करो, उत्तर प्रदेश में इतना आलू होता है। उन्हें हाथ जोड़ते हुए बोले उत्तर प्रदेश में कौन जाएगा सर, कानून व्यवस्था। अब तो मामा के राज्य वाला आदमी भी उत्तर प्रदेश जाने को डरता है। तब हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अभी तो डर है, तो उन्होंने मुझे 50 केसेस बताए जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कई व्यापारी डर के मारे रिपोर्ट ही नहीं करते, अपनी जान संभालो और निकल लो।
लंका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी मुजरिमों को पकड़ेंगे, लेकिन मुजरिमों की हिम्मत कैसे होती है? योगी आदित्यनाथ का वो टेरर कहाँ है? या टेरर भी सब्जेक्टिव है? ठाकुरों को टेरर नहीं, बाकी लोगों को है क्या? टेरर से भी लोग फिल्टर होके आते हैं क्या? मुजरिमों भी अपने और पराये देखे जाते हैं? यदि दबंगता होती ठाकुर साहब में, तो बीएचयू कैंपस के अंदर घुसकर छात्रा के साथ इस हद तक की बदसलूकी कोई नहीं करता। उसके बाद कहते हो कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी बड़े कॉलेज में जाएगी तो मंचलों के सामने होगी, अच्छी खिलाड़ी बनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाएगी तो राजनीतिक गुंडों की बलि चढ़ जाएंगे। क्या हम बाबा आदम के जमाने में जाएंगे जहां लड़कियों को घर की दहलीज क्रॉस नहीं करने देंगे क्योंकि वह असुरक्षित है? बहुत बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश के लिए, ये चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए। बड़े बड़े विज्ञापनों से उत्तर प्रदेश स्थापित नहीं होगा। कितने भी बड़े विज्ञापन हो, करोड़ों रुपए के विज्ञापन हो, किसके फोटो है, क्या योजनाएं हैं, मायने नहीं रखता। कानून व्यवस्था एक छोटा केस दुनिया के सामने नंगा करके रख देता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये केस 2017 के बाद 2023 में 5 साल में फिर एक बार उत्तर प्रदेश की असलियत कानून व्यवस्था की जनता के सामने ले आया है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा YouTube चैनल उल्टा चश्मा।